संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। तत्पुरुष समास का हम अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी से ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं हम, सिद्धांत कौमुदी और यूँ मान के चलिए अष्टाध्यायी से सम्मिलित करके अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत छोटे रूप में समझाया गया है। आज हम प्रादि तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे और तत्पुरुष समास दो या तीन वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद समासांत तत्पुरुष समास रह जाएगा। एक कोशिश करेंगे समासांत जितने भी हैं, चाहे बोबरियों के हों, द्वंद्वकों, किसी के भी हों, वो अंतिम में हम उनको लेंगे। कारण है उनका कि समासांत जितने भी होते हैं शब्द, वो सूत्र वही प्रयुक्त होते हैं जिनको हम सीख चुके होते हैं। फिर समासांत समास सीखने का तात्पर्य क्या है, उनमें जो प्रत्ययों का विधान किया होता है वो अलग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समासांत समास बोला जाता है। समासांत तत्पुरुष हो, समासांत बहुव्रीहि हो, उनमें कुछ प्रत्यय अलग से दिए होते हैं, उन्हीं शब्दों से वो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, तो हम प्रत्यय भी इसके माध्यम से सीख जाएंगे। तो इसलिए पहले हम तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि और द्वंद्व को खत्म करके तब हम समासांत पर चलेंगे। चलिए आज हम प्रादि तत्पुरुष, बहुत गड़बड़ियां होती हैं। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सांख्य कारिका में आ की मात्रा लगाना ही भूल गया, संख्य कारिका हो गई है। कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मुझसे तो बहुत गलतियां होती हैं। तो यहां पर प्रादि तत्पुरुष समास से तात्पर्य क्या है, ये मैं आपको एक बार और बता दूं। प्रा जितने भी हैं, प्रा अतिशु, ये सब इनकी प्रादि के नाम से ही जाने जाते हैं। ये अव्यय संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा, जो भी होती है इनकी संज्ञाएं, वो सब कुछ सूत्र हैं उनके बाद में प्रयुक्त होती हैं। मैंने इनको कारक प्रकरण में कर्म प्रवचनिया से संबंधित है कुछ वीडियो, उसमें जाकर के देख लेंगे तो शायद आपको सही से समझ में आएगा। इनकी निपात संज्ञा भी होती है, गति संज्ञा भी होती है, उपसर्ग संज्ञा भी होती है, बहुत सारी संज्ञाएं होती है, तो उनको कैसे कैसे कब क्या होता है ये वहां बताने का प्रयास किया है। अभी हम इनको देख करके आए हैं कि गति संज्ञक तत्पुरुष समास भी देखे हैं, अभी इससे संबंधित प्रादि तत्पुरुष समास देखेंगे, होंगे यही, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इनको प्रादि ही बोला जाता है, ये नहीं बोलेंगे कि उपसर्गों से प्रयोग होने वाले समास, गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग कह देते ना उपसर्गों का प्रयोग, उपसर्गों का प्रयोग ही गलत हो जाता है। उपसर्गों का प्रयोग करते ही सीधे क्रिया लगानी ही पड़ेगी उसमें, ये नियम है। यदि क्रिया नहीं है तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएंगे, इसलिए यहाँ क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्रादि ही बोला जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। इसमें हमने जो सूत्र था जो जाना था, को गति प्रादया, एक सूत्र है, ये तीन में काम करता है। कु आदि में हम जान चुके हैं, गति आदि में हम जान चुके हैं, गति संग गति तत्पुरुष में, कु आदि तत्पुरुष समास में भी जान चुके हैं, और प्रादि तत्पुरुष समास आज जानेंगे। तो प्रादि से तात्पर्य क्या है, प्रादि जिनको हम कुछ भी बोलिए आप, उपसर्ग बोलते हैं, गति संज्ञा बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन प्रादि जब भी किसी शब्द के साथ आ जाते हैं तो प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है, अर्थात वो तत्पुरुष संज्ञक हो जाता है। अपरादि है इसके लिए इसको प्रादि तत्पुरुष समास बोल देते हैं, ठीक है, होता वो तत्पुरुष संज्ञक ही है। जैसे सुपुरुषः, सु हम जानते हैं, कु जो है वो प्रादि के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहां पर इसकी अलग व्यवस्था दे दी है। तो सुपुरुषः, सुपुरुषः से तात्पर्य क्या है, ये जैसे ही सु आ जाए और पुरुष शब्द लग गया है तो हमको दिमाग में बिठा रहना चाहिए, सीधे सीधे ये प्रादि तत्पुरुष समास में चला जाएगा। अब आपको शायद समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये बोला जाएगा शोभनः पुरुषः, इस तरह से विग्रह किया जाएगा, है ना, सुराजा शोभना राजा, दुर्जना दुष्टो जना, सूक्ति
सुष्ठु उक्ति सुभाषितम सुष्ठु भाषितम। ठीक है, इसमें सुष्ठु सुसुष्ठु, यहां सुशोभन, सुष्ठु और शोभनम में अंतर है, पुरुष है वो, इसलिए शोभनम प्रिय होगा, सुष्ठु नहीं। इस तरह से जब भी ये प्रादि शुरू में आ जाए और बाद में कोई भी सुबंत आए तो प्रादि तत्पुरुष समास हो जाता है। इसका तात्पर्य बस इतना ही है, ये इसकी कहानी खत्म हो जाती है बस यही। लेकिन हमारे कात्यायन जी हैं, उन्होंने मुख्य रूप से 5 वार्तिकों का निर्माण किया और उन वार्तिकों को विस्तृत से समझाऊंगा और उनके उदाहरण कम से कम 10 दूंगा तो मैं शायद मौके ना दे पाऊं, उसके लिए मैंने व्यवस्था की है आपको देने की। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है, इतना सा ही है। ठीक है, चलिए अब कुछ 4-5 वार्तिक हैं उनको देख लेते हैं और उनके उदाहरण देने का मैं प्रयास करूंगा, थोड़े उदाहरण ज़्यादा दूंगा आज क्योंकि उसमें से ही उदाहरण बार बार आ जाते हैं और उनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है क्योंकि, चलिए देखते हैं समझ में आ जाएगा। वार्तिक चलेंगे यहाँ से तो प्रथम है इसी के रूप में प्रादयो गताद्यार्थे प्रथमया, एक वार्तिक ये है, ये कह रहा है कि प्रादि का गति के गत के अर्थ, गति नहीं गत के अर्थ में जाने से संबंधित के अर्थ में प्रथमया, प्रथमया मतलब प्रथम सुबंत शब्द के साथ में प्रादि तत्पुरुष समास होता है, ये इन्होंने बोल दिया। उदाहरण मैं इकट्ठे दूंगा आपको। दूसरा है अत्यादया क्रांत्याद्यार्थे द्वितीयया, अति आदि, इसमें एक चीज और है, इसमें प्रादि अति आदि ये इन्होंने किस तरह से समझ के सोच के बनाए हैं ये समझाना बड़ा ही मुश्किल है, कोई बहुत ही विशेषज्ञ होंगे तब उसको समझा सकते हैं, क्योंकि प्रादि अत्यादि सीधे सीधे प्रयोग करने पर आदि शब्द जो लग रहा है इसका तात्पर्य है कि सभी जितने भी प्रादि हैं 2200 वो सभी इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं, कहां कहां कैसे कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं वो उसके अर्थ पर आधारित करेंगे कार्य। ठीक है, और इसको कितना भी समझा लीजिए आप, जब तक अभ्यास में नहीं आएंगी चीजें बड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने का प्रयास करूंगा, प्रत्येक के 8-8-10 उदाहरण दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में सही से बैठ जाए। क्रांत आदि, क्रांत आदि अर्थ में यानी पार गया हुआ शब्द है इसका, पार कोई चीज चली जाती है उससे संबंधित, उसको लेकर के द्वितीया अर्थात द्वितीया विभक्ति से संबंधित जो शब्द हैं जब उनका सुमंत शब्दों का प्रयोग होगा तो वो भी प्रादि तत्पुरुष समास में गिने जाएंगे। तीसरा है अवादया कुष्ठाद्यर्थे तृतीयया, ऐसी ही है अव आदि का कुष्ठ अर्थ में तृतीय सुवंत का प्रादि तत्पुरुष समास होता है। चौथा है पर्यादया ग्लानाद्यर्थे, शब्दों के साथ में और उदाहरणों के साथ में और समझाने का प्रयास करूंगा, शायद समझ में आ जाए, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएंगी ये चीजें। ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, ठीक है, ग्लानी आदि, ग्लानी मतलब अपने आप से घृणासी हो जाना या हार जाना, इस तरह इसके जो अर्थ आते हैं उनमें पर्यादि जो भी अर्थ उपसर्गों का प्रयोग हो उन शब्दों से तो चतुर्थ्यांत सुबंत हो लेकिन साथ में वो उन दोनों का जब मिलन होता है तो
प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने जाएंगे। एक और है निरादया क्रांताद्यर्थे, पंचम्या। अब क्रांताद्यर्थे ये भी है और क्रांताद्यर्थे ये भी है। अब यहां पे अत्यादि, यहां पे निरादि, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए एक एक दो दो उदाहरण देकर के सभी लोग छोड़ देते हैं, तो वहां दिमाग में सही से बैठ नहीं पाते। और सही बात बताऊं तो पूरी उदाहरण आ ही भी जाते हैं सभी परीक्षाओं में। जो परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं उनको भी शायद ये ज्ञात होता है कि इतना ही जानते होंगे, इसलिए उनके उदाहरण ही दे देते हैं बार बार। लेकिन मैं आपको 10-10 कम से कम उदाहरण दूंगा। तो निर आदि का क्रांत यानी गया हुआ अर्थ में, निकला हुआ, बाहर गया हुआ, इस अर्थ में पंचम्यांत सुबंध शब्द के साथ में प्रादि तत्पुरुष समास होता है। अब मैं इसके उदाहरण तो मुझे इतने याद नहीं है, जैसे प्रादि में अगर लगाना चाहें आप, पहले का उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्राचार्य है, ठीक है ना, प्राचार्य में आगे बढ़कर के, जो आगे बढ़ जाए उसके अर्थ में, गतमानी आगे बढ़ जाना, गतः आदि अर्थ में, तो प्रगतः आचार्य ये इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी प्राचार्य शब्द आ जाएगा तो दिमाग में बैठा आया धीरे धीरे कि ये प्रादि इस पूछ लेता है कि ये किससे समास हुआ है, तो आपको सीधे प्रादयो गत्यर्थे प्रथमया वार्तिक से इसमें समास हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्रपितामह, वो वही है प्रगतः पितामह, यानी पितामह से आगे बढ़ गया। आचार के मतलब भूल गया बताना, आचार से मतलब आचार से आगे बढ़ जाना, आचार से और अगली श्रेणी में पहुंच गया हो, जो आचार्यों में श्रेष्ठ है ना, इस तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं। ऐसी प्रपितामह, पितामह से भी आगे, प्रमातामह, मातामह से भी आगे बढ़ गया हो जो, इस तरह से इसके अर्थ प्रयोग होते हैं। मैं और देख लेता हूं थोड़ा, मैंने कुछ यहां पर देख रखे हैं। जैसे क्यों घूम रहा भैया, ऐसे है इसमें विदेश, विदेश शब्द आ जाए तो हमको याद रखना है, विदेश शब्द में विप्रकृष्ट देश, इस तरह से इसमें विग्रह किया जाएगा। ये नित्य समास के अंतर्गत आते हैं, इनसे संबंधित जितने भी होते हैं वो नित्य समास में चले जाते हैं। और नित्य समास का मतलब क्या होता है कि वो समास होगा ही होगा, उसका जो विग्रह करना है वो हमको अपने शब्दों से प्रयोग करके प्रयोग करना है। तो विप्रकृष्ट का मतलब क्या होता है, दूरवर्ती, दूर का इसका ही अर्थ होता है। तो दूर गया हुआ देश, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, दूरवर्ती देश, तो जब भी आ जाएगा तो वो देश में चला जाएगा, तो इसलिए गत इसमें भी अर्थ कहीं ना कहीं मिल रहा है। और उदाहरण कुछ है इसमें, जैसे विपक्ष है, ठीक है, ये विपक्ष शब्द है तो इसमें विरुद्ध पक्ष, इस तरह से ये प्रयोग हो जाएगा, यानी कि पक्ष के जो विपरीत चला गया हो, इस तरह से अर्थ लगाएंगे इसके, तो विरुद्ध पक्ष ये प्रयोग कर सकते हैं। एक एक शब्द आता है उपपति, उपपति का मतलब क्या होता है, जार इसमें शब्द सब जगह देते हैं, लेकिन प्रेमी आप लगाइए इसका अर्थ, जार समझ में नहीं आता, उपपति का मतलब प्रेमी, तो उपश्लिष्ट पति ये इसका तात्पर्य है, उपश्लिष्ट पति। इस तरह से इसके उदाहरण देख सकते हैं, और भी हाँ उसमें उदाहरण तो देख लेता हूं थोड़ा। प्रवीर शब्द है एक, एक है प्रयत्न, प्रयत्न शब्द है प्रकृष्टो यत्नः,
यानी कि यत्न तो हो लेकिन आपका कैसा होना चाहिए, प्रकृष्ट यत्न, यत्न से भी ऊपर थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, आगे गया हुआ प्रयत्न, ऐसे इसमें है। और उदाहरण उपपदम, उपपद शब्द का प्रयोग किया गया है, लाइट चली गई है, चलिए लाइट चली गई थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक दो और उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें उपपद का बात चल रही थी, उपपदम का, तो उप उच्चारितम पदम, उपपदम, इस तरह से इसमें विग्रह होगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, अति कोकिलहा। अब अति कोकिलहा, क्रांत शब्द से तात्पर्य मैंने बताया था कि कोई भी चीज आगे जब बढ़ जाए उसकी अपेक्षा, तो वो प्रयोग की जाती है। ऐसे ही अतिमालम, अतिमालहा, ये दोनों उदाहरण इसमें विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अतिमाल, अतिमाल तो हमेशा पूछा जाता है, तो अति कोकिल, अतिक्रांतो। यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, ये ज्यादातर यही प्रयोग हो जाता है शब्द, जैसे हमने अभिभाव समास में जाना था जो शब्द दे रखे थे, नित्य समास में अक्सर यही होता है, उन्हीं शब्दों को लेकर के वो प्रयोग हो जाते हैं, तो उससे भी पहचान कर सकते हैं आप। तो अतिक्रांत कोकिला, इस तरह से प्रयोग हो जाए, लेकिन इसमें प्रयोग किया गया द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा, तो अतिक्रांता कोकिलाम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को हम जान रहे हैं, द्वितीय विभक्ति युक्त सुवंत का प्रयोग होगा इसमें, तो अतिक्रांत कोकिलाम। कोकिल मतलब कोयल की जो स्वर है, जो आवाज है, उससे कोई आगे बढ़ गया हो, अतिक्रमण कर गया हो उसका, ऐसी आवाज वाला, इसका मतलब ये हो सकता है। ऐसे ही अतिमाला, अतिक्रांत मालाम, मतलब अब इसमें आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय भी प्रयोग हो सकता है, चतुर्थी हो सकता है, पंचमी, सारे विभक्ति प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसमें जो शब्द होगा, इसका जो शब्द होगा सुबंत वाला, वो केवल द्वितीयांत ही होगा, ये इसका तात्पर्य है। तो मालाम शब्द का मतलब, मालाम से तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि माला में जो गंध आती है उस गंध को भी आगे, गंध का भी अतिक्रमण कर गया हो कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है ना। एक और है उद्वेला, तो उद्वेला, इस वेल शब्द से तात्पर्य क्या है, वहां एक पूरा बाकी मैं इसमें बताऊं आपको, बताया है इसमें उद्गतो वेला, इसमें इसमें बोला गया है, ठीक है, उद्गतो बेलाम, बेलाम जो प्रयोग किया गया है इसमें, उद्गतो वेलाम नद्यः, यानी नदी शब्द से प्रयोग किया गया है, तो यहां जो लगा है शब्द वो तट शब्द को लिया गया है, तट शब्द यानी तट से ऊपर आया नद, जो नदी बह रही है वो, जब नदी का जो तट है उसको जब तोड़ देता है, उसको जो बाढ़ आ जाती है, उस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाएगा उद्वेला। ऐसे ही है अनुस्वारहा, अनुस्वारहा का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अनुगतो स्वारहा, यानी कि स्वर के अनुसार, स्वर के पीछे चलने वाला, ये हम जानते हैं कि जो स्वर होता है वो अनुस्वार जो होता है वो स्वर के बाद ही प्रयोग होता है, ये इसका मतलब है, अनुगतो यानी कि पीछे पीछे चलने वाला, अनुगतः स्वरहा। अत्यर्थम, अत्यर्थम अतिक्रांत अर्थम, स्वारम है, स्वारानी स्वारम, इस तरह से ये प्रयोग कर सकते हैं।
उपमितः प्रधानेन, ये तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ये मैंने बताया था अवादेय कष्टाद्यर्थे, इस अर्थ में निकंशो नियुक्तः कंसेन सीधा सीधा प्रयोग किया जाएगा। निमुनि निमुनि नियुक्तः मुनिना, यानी मुनि के द्वारा नियुक्त किया हुआ, ये प्रयोग होगा इसमें। व्यर्थ, जो हम व्यर्थ शब्द प्रयोग करते हैं, वियुक्ता अर्थेन, जो अर्थ से वियुक्त हो गया हो, छूट गया हो, इसीलिए कहते हैं व्यर्थ की बातें मत करिए, यानी कि जो बात चल रही है अर्थयुक्त बात करिए। अर्थेन वियुक्त अर्थेन, अर्थ से छूटा हुआ, अर्थ से दूर गया हुआ। समर्था संगतम अर्थेन, इन समर्थम, समर्थ शब्द के प्रयोग करते हैं ना, वो वाली चीज है। संगत माने संगत बिठाए हुए अर्थ के साथ। समक्षम, देखिए समक्षम जो प्रयोग है वो अभिभाव समास में प्रयोग हुआ है, समक्षम इसमें भी प्रयोग हुआ है। संगतम अक्षेण, यहाँ विग्रह दूसरी तरीके से है, वहां विग्रह दूसरी तरीके से है, तो विग्रह पर भी ये आधारित होती है कि कौन से में क्या समास होगा। तो समक्षम संगतम अक्षेण, ये तृतीय विभक्ति में अवादेय कष्टाद्यर्थे इसके द्वारा प्रयोग हुआ है। और देख लेते हैं थोड़ा, हाँ ये पर्यादेय ग्लान के अर्थ में इसमें दो ही उदाहरण दे रखे हैं। परिध्ययनः और एक है उत्संग ग्रामः, ठीक है। तो परे और उत, इतमें दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो पहले मैं परिग्लानहा अध्ययनाय चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अध्ययनाय यानी कि परिग्लान शब्द है अध्ययन से अनुत्साही, अध्ययन से भागा हुआ, अध्ययन से हारा हुआ। ऐसे ही आगे उद्युक्तः संग्रामाय, संग्रामाय संग्रामाय, तात्पर युद्ध के लिए तत्पर, ये इसका तात्पर हो गया। चलिए अब हम निरादर याद जो अर्थ है उसमें पंचमी के अर्थ में देखते हैं। निर्लंकः, निर्लंकः क्या मतलब हो गया, निष्क्रांतो, लंकायाः तरह से प्रयोग कर लेंगे इसको। निष्क्रांतो लंकायाः, एक और है निर्विन निर्विंध्या, तो बन जाएगा ये निष्क्रांतो विंध्यात, ठीक है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे इसमें उत्कुलः, उत्कुलः का क्या बन जाएगा, उत्क्रांतः कुलात्, ठीक है। अपशाख, अपगतः शाखा शाखाभ्याः, इस तरह से ये पंचमी का सीधा सीधा प्रयोग किया जाएगा। चलिए और इसमें ज्यादा नहीं है समझाने के लिए, इसका तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, ये कैसे कैसे किया जाएगा, हर एक में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होता है इसमें, तो सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, बाहर जाने के लिए अपगत लग रहा है इसमें, लेकिन उत आ गया, उत्क्रांत का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, निष्क्रांत मतलब हो गया बाहर जाना, निष्क्रांत मतलब बाहर निकलना ही हो गया, तो इसके अर्थ कैसे प्रयोग किए जाएंगे, तो उसको बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा गहराई से, तब समझ में आएगा कि इनको कैसे प्रयोग करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और ये शायद समझ में आए ना आए मुझे नहीं पता, कितना समझ में आता है कितना नहीं आता कमेंट के माध्यम से समझाना, मैं फिर कोशिश करूंगा खुद समझने की, अभी मेरी समझ में सही से नहीं आ पा रहा है,
इनको मैं कैसे आपको सही से समझा पाऊं, क्योंकि जब तक मेरी समझ नहीं आता मैं कुछ चीज को समझाता नहीं, लेकिन इसको मुझे समझाना पड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।